फिर वही आवाज, फिर वही आवाज, फिर तुम तीन थे? नहीं, अबे अल्लाह की कसम मैंने देखा भी कुछ। ओ वेदी भाई क्या हो गया? दोस्तों को मैं बताते चलूं कि मैं अभी वो सामने लोकेशन है उस जगह में जा रहा था, तो मुझे यहाँ से आवाज़ आई है। ये देखो कुछ उड़ के गया है, कुछ उड़ के गया है और बहुत तेज़ रोशनी हो रही है। दोस्तों को मैं बताते चलूं, बहुत तेज़ रोशनी करी हुई है मैंने और इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो अंधेरा हुआ हुआ है, पूरे एरिया में अंधेरा गुप हुआ हुआ है। मेरी समझ से बाहर है कि इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर। एकदम मुझे लगा हमला कर देगी मेरे पे, चमगादड़ है ये, किस तरह किस्म के मच्छर हैं ये, चमगादड़ अंदर घूम रही है, चिपक ना जाए कहीं। ये देखें दोस्तों, ये देखें किस तरह घूम रही है। अब मैंने ये हाय 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 ये अल्लाह पाक रहम फरमा, ए मेरे मालिक मुझ पर रहम कर, मेरी हिफाजत फरमा, आमीन। ये देखें दोस्तों, मैंने दोबारा अंदर जाने की करी, ये फिर अंदर आई, ये आ गए। ये देखें मैं अंदर ऊपर कदम, दोस्तों से गुजारिश करता हूँ मैं कि भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाजमी अंदर दोस्तों में अपने शेयर करें। अभी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, एक चमगादड़ जो है ना बाहर निकली तो दूसरी जो है दूसरी विंडो से जो है वो अंदर आ गई। ये क्या चीज़ है? मुझे लगा कोई कुछ ओढ़ के, कुछ ना मतलब चादर ओढ़ के कुछ चीज़ बैठी हुई है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर भी चमगादड़ है।
कोई दोस्तों बातें कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बताता चलूँ कि इस जगह पर मैं गया हूँ अंदर, तो चमगादड़ आई है, एक कदम उठाया था, अब देखता हूँ लकड़ी चली गई हो ताकि मैं उस दरवाजे तक पहुँच सकूँ। यार क्या मुसीबत आ गई यार, यार क्या मुसीबत आ गई यार। यार ये तो डायरेक्टली मेरे सर पे हमला कर रही है। अबे यार क्या करूं इसका, कैसी आवाज आ रही है यार, कैसे जाऊं इस जगह पर। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों मुझे उस गेट तक पहुंचना है और ये तीसरी बार हो चुका है, ये आप लोगों के सामने तीसरी बार हो चुका है। मैं तब जब भी उस गेट तक जाने की हर बात करता हूं और ये तीसरी बार हो चुका है, ये आप लोगों के सामने तीसरी बार हो चुका है। मैं तब जब भी उस गेट तक जाने की हर बात करता हूँ, कदम उठाता हूँ अपना, तो ये चमगादड़ मुझे बार बार आ रही, तीसरी दफ़ा ये आ चुकी है। और देखते हैं कि जाने देती है। अबे भाई तो फिर आ गई। अबे यार दोस्तों ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ए अल्लाह की मखलूक मुझे सिर्फ उस दरवाजे तक आने दो। उई, उई, उई। मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, उसको बाहर निकालने की बोल रहा हूँ, ये कहीं गलत बात तो नहीं है कहीं। ये देखें जी, ये देखें दोस्तों, मतलब यहाँ से शूट लेता हूँ, ये उसी रूम के दरवाजे हैं। ये इस विंडो से नज़र आ रहा है, वो चमगादड़ नज़र नहीं आ रही अब। लेकिन मैं इसके करीब कैसे जाऊँ, मैं फिर कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसकी हालत देख लें आप, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जला हुआ है। दोस्तों को मैं टाइम बताता चलूँ, टाइम हो रहा है यहाँ पर रात के सिर्फ 10 बज रहे हैं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, 10 बजने में अभी एक मिनट कम है। दोस्तों जगह जगह मुझे चप्पलें नज़र आई हैं, यहाँ पर चप्पलें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो समझ रहा हूँ कोई देख रहा था, मेन गेट पे खड़े होके कोई देख रहा था मुझे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये हिलना दोस्तों, कोई चलता आ रहा है। दोस्तों
दोस्तों, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है यार? मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया था यहाँ पर, यहाँ पर मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया था दोस्तों। ये कुत्ता या तो मुझे देखने के बाद भौंका है या फिर उस मखलूक को देखने के बाद भौंका है, और ये खड़ा हो गया है। ये देखें, कुत्ता खड़ा हो गया है। अपने दोस्तों को बताता चलो कि लाइट मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा गुप हो रहा है, और यहाँ पर ओस पड़ रही है, ओस पड़ रही है यहाँ, मतलब शबनम कहते हैं, ओस कहते हैं, मतलब धुन धुन हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दूसरी चीज, अपने दोस्तों को बताता चलूं कि यहाँ पर जिन भूतों से ज़्यादा जो मुझे डर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का है कि यार कोई वारदात ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ। ये कुत्ता क्यों नहीं जा रहा है? अरे हाय, अरे हाय, मैंने जाने की बात करी और जा रहा है, ये तो ये खड़ा हुआ था दोस्तों। ये कुत्ता क्यों नहीं जा रहा है? अरे हाय, अरे हाय, मैंने जाने की बात करी और जा रहा है, ये तो ये खड़ा हुआ था दोस्तों। ये खड़ा हो गया, ओए क्या मुसीबत है यार। बार बार मुझे बातें करने की आवाज़ आ रही है यार। यार मैं ना इस कुत्ते की वजह से शूट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है ये करीब ना आ जाए। मैं जब भी कैमरा घुमाता हूँ मुझे डर लगता है ये करीब ना आ जाए कहीं मेरे। टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा यार। ये देखें अंदर, फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई दोस्तों। ये देखें, ये देखें, से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं। ये असल में आज वीडियो जो है थोड़ी सी मेरे ख्याल से सही नहीं बन रही होगी, क्योंकि मेरी एक नज़र जो है ना, ये देखें, ये देखें, देखें, मुझे लग रहा था ये आ रहा मेरी तरफ, ये टर्न हो गया, मैंने जब जैसे ही घुमाया ना ये टर्न हो गया। आज वीडियो जो है थोड़ी सी मेरे ख्याल से सही नहीं बन रही होगी, क्योंकि मेरी एक नज़र जो है ना, ये देखें, ये देखें, देखें, मुझे लग रहा था ये आ रहा मेरी तरफ, ये टर्न हो गया, मैंने जब जैसे ही घुमाया ना ये टर्न हो गया, मुझे महसूस हो रहा था बार बार। अंदर नज़र रखनी पड़ रही कि वो चमगादड़ जो है बार बार घूम रही है, और बाहर ये कुत्ता। ये क्या मुसीबत है यार, बाहर ही आ गई डायरेक्ट, चल गया।
पाँव रखने की भी जगह नहीं है दोस्तों। आइए ना, अरे यार क्या है मुसीबत। उई ये क्या चीज़ भागी, ये क्या चीज़ भागी है, उई ये क्या चीज़ थी, उई अबे यार सही से, अबे कहाँ पाँव रखूँ। दोस्तों मुझे लग रहा है पत्थर जो है ना इसके नीचे कुछ चीज़ छुपी भी ना हो कहीं यार। दोस्तों यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है। अरे अल्लाह दोस्तों अभी जो भी चीज़ है ये उल्टी है, मुझे सही से समझ नहीं आ रहा कि मैं और भी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह अल्लाह दोस्तों मैं बता चलूँ, जब मैं 1 से 2 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये छत थी, अब यानी कि छत टूट गई है या तोड़ दी गई है। लेकिन दोस्तों आप भाई क्या मुसीबत है यहाँ की, देखें दरार मतलब कितनी ज़्यादा है ये, अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये दरार हुई भी है इसके अंदर। मतलब ये किसी भी टाइम पर, ये देखें मेरी उंगली से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मतलब ये यहाँ पर आप इसकी हालत देख लें, मैं आपको इस तरफ से भी दिखा देता हूँ। हाय अल्लाह, जानवरों की आवाज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो भाई यार आप दोस्तों से गुजारिश है यार, भाई के लिए ना बस ये दुआ लाजमी किया करो। यार ये चमगादड़ देखे फिर आ गए, ये दुआ लाजमी किया करो कि यार भाइयों भाई को ना, मेरे फैजी भाई को जब किसी लोकेशन पे जाया करें तो ये डकैती वाले मामलात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखे, क्योंकि यार बड़ी महंगी चीज़ें आती हैं। यहाँ मुझे शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जिस तरह ये जानवर घूम रहे हैं ना दोस्तों, जिस तरह ये जानवर घूम रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है, जैसे अभी वो कुत्ता आया हुआ था, मतलब रोशनी आगे करी हुई मैंने तो मुझे नज़र नहीं आ रहा ना कि कोई भी चीज़ आ जाए, वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखे, कोई हमला ना कर दे कोई चीज़ जानवर वगैरह। तो बस आप लोगों को पता है कि मैं अकेला शूट कर रहा होता हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ना कि मैं देख लें कि मैं मेरे साथ कोई भी नहीं है। जो लड़का था जो मेरी वीडियो बना रहा था वो मदीन का था, और वो उनके साथ चले गया वो, तो मैं तो ज़्यादातर करता ही अकेला हूँ अल्लाह के करम से उसके फजल से। भौंकने की आवाज़ आने लगी दोस्तों, मैंने यहाँ पर कदम रखा है। भौंकने की आवाज़ आने लगी दोस्तों, मैंने यहाँ पर कदम रखा है। आवाज़ आ रही है आवाज़ किस किस्म की मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज़ आई है अंदर से। बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही है। और ये बना हुआ क्या है, तेरी तो दोस्तों मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये बना हुआ क्या है, मैं अंदर जाके देखता हूँ। अल्लाह रहम फरमा।
आप दोस्तों को मैं बताता चलूं, इस जगह से मुझे सही तवक्को नहीं है। इस जगह से मुझे सही तवक्को नहीं है दोस्तों। ख़तरे की मुझे बू आ रही है यहाँ से, मुझे ख़तरे की बू आ रही है यहाँ से, पता नहीं क्यों। इस जगह की हालत भी देख लें आप, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देख लें इस जगह को, यहाँ से भी देख लें आप। रूम में से रोशनी, मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं क्यों मना कर रहा हूं अंदर जाने का। मुझे खौफ जो आ रहा है ना, देखें, एक तो मैंने अंदर से रोशनी देखी, उससे पहले यहां से मैंने आवाज़ सुनी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे बार बार जगह जगह चप्पलें नज़र आ रही है। देखें, ये चप्पल पड़ी हुई है, एक वो पड़ी हुई है, और ये पर पड़े हुए हैं, ये पर वगैरह, यानी कि ये कौन से परिंदे, ये कौवे के हो सकते हैं, मुर्गी वगैरह तो यहाँ नहीं हो सकती देसी। मतलब इस जगह भी आप देख लें, छत टूटी हुई है, ये सब कुछ गिरा हुआ है। तो अगर यहाँ की अगर छत गिराई भी गई है तो इतना कम मलबा। मुझे लगा कोई कुत्ता है, लेकिन दोस्तों मेरी टांग खींची गई है। दोस्तों मेरी इस जगह से टांग खींची गई है, मुझे लगा शायद मेरे पीछे कोई कुत्ता आया, उसने कुछ काटा वगैरह। अरे यार दोस्तों, आप लोगों को इस पिलर तक नज़र आ रहा होगा ना, ये पत्थर पड़ा हुआ है सामने, यहाँ तक किला नज़र आ रहा है, यकीन मानिए मुझे आंखों से भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे अपनी आंखों से भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर इतना अंधेरा हो रहा है। ये माय गॉड, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। या अल्लाह पाक रहम कर, मेरे मौला, ये क्या चीज़ है। या अल्लाह पाक, तुम मुझे अपनी पनाह में रख, बस क्यों यहाँ बत्ती ज्यादा चलती है, चरांद होते हैं ये जिन भूत है, यहाँ इतनी बत्ती हम लोग नहीं जलाते, क्यों ये हमारे लिए फिर अजाब हो जाता है रात को।
ज़्यादा रोशनी में मसले होते हैं यहाँ पर जी। अभी जैसे बत्ती जलता है तो भूत बंगला, इसको कहते हैं भूत बंगला। भूत बंगला, मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे जितना खौफ उस साइड पर आया ना, इस साइड पे मुझे इतना नहीं आया जितना मुझे उस साइड पर आया, बहुत ज़्यादा आया। उस साइड में बिल्कुल अकेला था मैं। लाइट है यहाँ पर? यहाँ पर बिजली नहीं। चलिए यहाँ पर आके बात करें दोस्तों। मैंने बड़ी लाइट बंद कर दी है क्योंकि इनका कहना है कि भाई यहाँ पर आप लाइट जलाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, रात में हमें परेशान करेंगे। तो अंकल आप यहाँ रहते हैं तो बिना लाइट के रहते हैं? तो मतलब गर्मी के अंदर पंखे वगैरह हवा कुछ नहीं, वो यही कि बिल्कुल अलग ले रह रहे हैं। वहाँ पर तो कोई मसला नहीं होता आप लोगों को, कोई ऐसे असरात वगैरह कोई? अच्छा, तो अच्छी बात है। वैसे मैंने ये सुना था कि यहाँ पर एक बच्चे का कत्ल वगैरह भी हुआ था जी। यहाँ वीडियो वाले भी आते हैं, कभी कभार आते थे पहले, अभी तो हम किसी को अंदर छोड़ते नहीं हैं। जी जी, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पर 2 साल पहले तो यहाँ पर मैं तफसील से बना के गया था। मैं उस टाइम पे खुला बंदा आता था, खुला हम जाता था। जी जी जी, अभी जब से ये कोई मसला नहीं, उसी से सख्ती है। हाँ, मैं जब दूसरी बार जब आया ना यहाँ पर तो मुझे बताया कि यहाँ पर लड़की का एक कत्ल हुआ था, उसके साथ ज्यादती करके कत्ल किया गया है। तो अब मुझे यहाँ पर पता चला एक बच्चे का भी वाकया हुआ है। तो ये बच्चे का भी वाकया सच है? मैंने आपके कहने पर लाइट बंद कर दी है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर कोई मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगे तो उसकी माजरत। हमारे अंदर बड़ा जिगरा है माशाल्लाह। क्यों? वो अकेले पहुंच जाते? नहीं, असल में वहाँ पर यार जानवरों को मुझे डर था। अच्छा, वहाँ जानवर मेरे पीछे आ रहे हैं बार बार, मुझे इस चीज़ का डर है। मैं वीडियो बनाने में लगाऊँ, मेरी तरफ कर लो, मुझे इस चीज़ का डर था कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ और पीछे से वो कुत्ता बार बार मेरे पे मेरी तरफ टर्न मार रहा है, मेरी तरफ वो देख रहा है, मेरी तरफ वो, भाई कुत्ता है जानवर है, कैसी बूटी ले जाए क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ ये तो है। तो बंदा बस इस चीज़ का मुझे खौफ था कि यार, बाकी मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक कभी किसी चीज़ों से डरता नहीं होती आसानी से। लेकिन जो चीज़ आज मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करी, अल्लाह करे रिकॉर्ड हो गई है, वो चीज़ एक ऐसी चीज़ जो मैंने सुना था और वो मैंने देखा भी है कि वो, हम तो पैरों पे चले, इंसान अशरफुल मखलूकात है कि वो पैरों पे चलता है, लेकिन वो चीज़ वो इस तरह चल रही है, हाथों पे भी चल रही है, पैरों पर भी चल रही है, और बड़ी अजीब सी चीज़ देखी है, लेकिन वो वाइट कलर की है। और जब मैंने उसके ऊपर लाइट मारी है तो वो चीज़ वहीं पर रुक गई, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लाइट उसकी तरफ से हटा रहा हूँ तो वो मेरी तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो रुक रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, उस जगह से मुझे ख़तरा महसूस हो रहा था, और वहाँ पर बहुत सारे पर वगैरह पड़े हुए थे, और बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। बाकी आप लोगों के सामने है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यार वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अपना ख्याल रखना।